ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କୃଷି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେ କହିଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 86% ଭୂମି ଉର୍ବର। ଦେଶ ଭିତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଉର୍ବର ଜମି ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦେଶର ମୋଟ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନରେ 25% କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। କି ଆଜାଦୀ କେ ବାଦ କିସାନୋ କେ ନାମ ପର ରାଜନୀତି ତ ବହୁତ ସାରେ ଲୋକୋ ନେ କି କିସାନୋ କା ନାମ ଘୁମାୟା ବି ବହୁତ ସାରେ ଲୋକୋ ନେ लेकिन किसान ईमानदारी के साथ भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सके, ईमानदारी के साथ यह प्रयास 2014 में अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। करिए तो उन्होंने उस समय अभियान चलाया था। पहले प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते कि हम अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं, शरीर में किसी तत्व की कमी है तो उसके लिए उससे संबंधित विटामिन का या प्रोटीन का या जो भी तत्व कम हो जाता है उसको हम सप्लीमेंट्री डाइट के माध्यम से या दवा के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं जिससे हम स्वस्थ बने रहें, हमारा शरीर निरोगी रहे। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है, हमें फलने फूलने के लिए एक अवसर देती है, उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में कभी भी चिंता नहीं की गई। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मृदा परीक्षण कार्ड जारी किए, स्वयं हेल्थ कार्ड व्यापक पैमाने पर फ्री में किसानों को उपलब्ध करवाए गए। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।